में जब गांधी की हत्या गोडसे ने की गीता के वजह से, गोडसे ने गांधी की हत्या गीता के वजह से की, क्योंकि क्योंकि गीता ये कहती है कि केवल मारो गिनती मत करो। व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ गीता? गीता कहती है केवल मारो गिनती मत करो। अरे भाई सुषमा स्वराज, यू मे बी द मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी विल रिस्पेक्ट योर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, बट प्लीज डोंट ट्राई टू टीच अस गीता। मैं सुषमा स्वराज को ओपन लेटर लिखा है गीता के ऊपर में, और एविडेंसेस के बाद साथ प्रूव किया है कि गीता ये वॉर को पढ़ाती है, गीता वर्ण को पढ़ाती है, और गीता महिलाओं को डिग्रेड करती है। ये विजय मार्कर ने सुषमा स्वराज को ओपनली लिखा और सुषमा स्वराज से कहा कि गीता पे ये मेरे एविडेंसेस है, आपको अगर कुछ कहना है तो कहो। सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में बहुत भाषण देती है, लेकिन विजय मार्कर को चार लाइन का आंसर नहीं दे सकी। ये इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, ये इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। टू हेल विथ योर इंटेलिजेंस, डन स्विफ्ट। ब्राह्मिन्स आर द बिगेस्ट फूल्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्राह्मिन्स आर द बिगेस्ट फूल्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर सबसे बड़ा मूर्ख कोई होगा तो विजय मानकर ये कह रहा है कि ब्राह्मण दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान कोई हुआ तो बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर हुए। इस बात को जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। आपकी ताली नहीं बज रही, मैं जानता हूँ कॉन्फिडेंस कम है। क्यों स्वाभिमान ने आप अपनी हिस्ट्री भूल गए कि आप कौन है, इस दुनिया को किसने विचारधारा दिया ये भूल गए। गोलवलकर मिले फरवरी 48 में, गांधी की हत्या हुई गोडसे ने मारा, और महाराष्ट्र के मराठाओं ने ब्राह्मणों की पिटाई की उस दिन, जैसे तमिलनाडु में दो एरियल और एंटीना को मार पड़ी तमिलनाडु में। क्यों पड़ी? ऐसे नहीं पड़ी, हम किसी को मारने के फेवर में नहीं है, लेकिन ये मत भूलो कि अगर आप मुसलमानों को मार सकते हो, अगर आप क्रिश्चियन को मार सकते हो, तो कोई दिन ऐसा आएगा कि कोई आप पर भी हाथ उठा सकता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलवलकर को 48 में कही। गोलवलकर को ये कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि जो पेशवाई में आप लोगों ने जहर बोया, उसी पेशवाई के जहर का आप फल जो है वो काट रहे हो। अभी भी सुधर जाओ, ये जाति की विषमता को छोड़ दो, जाति के जहर को छोड़ो, ये बड़े और छोटे की विचारधारा को छोड़ो, तब देश सुधर सकता है। ये गोलवलकर को बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंह पर कहा, और गोलवलकर जब गए तो सोहनलाल शास्त्री को बाबा साहब कहते। गोलवलकर के हाथ में उस समय में गुरु दक्षिणा की 10 अंगूठियां थी, और बाबा साहब ने क्लियरली कहा कि जिस देश में ऐसे गुरु है उस देश का उद्धार नहीं हो सकता। ये बाबा साहब का गोलवलकर पे व्यू। आप क्या लिखते हो पंचजन्य के अंदर? विजय मानकर से पूछो, मैं एविडेंस देता हूँ। लिखो मत, ये काम मत करो। आरएसएस के लोगों को बोल रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ मैं, और नहीं लिखोगे तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक साल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हम मना रहे पूरी दुनिया के अंदर में, और एक साल में हम बाबा साहब के हर विचार को क्लियर करेंगे, और आप जो भी कॉर्नर में जाओगे आपकी पिटाई करेंगे। वार्निंग देने आया हूँ मैं, विजय मानकर को कमजोर मत समझो। बाकी ये रामदास अठावले और उदित राजा मायावती नहीं है, ये विजय मानकर है, ये बाबा साहब का बच्चा है, ये किसी से डरता नहीं, समझ रहे? तो इसलिए ये मत मानो कि देश के अंदर में अम्बेडकर एक लोग खत्म हो। तो साथियों पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 जून को ट्रांसफर ऑफ पावर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का बिल कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट में कंसिडर हो रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 जून को स्टेटमेंट दिया।